What's up, Shos family, and welcome to today's episode of Pick Scratch by Sectors. That's right, and today we will be listening to Khalipan by Roohdaar. So this is his second single. He's out of New Delhi. It says description बोल रहा है the second single written, sung and composed by Roohdaar is here. Khalipan. It's about the time when you feel alone, not because there is no one around, but because there is no one with you. Goes a long way. आज आप गाना सुनेंगे and we're gonna talk about it. I really like the artwork जो यहाँ पे है. It's looks like an oil painting. मेरे को आर्ट के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है. Painting and all के बारे में. Looks like an oil painting. Very nice यार. It's like some oil painting on a canvas. लग रहा है कि कुछ डीप सा गाना होगा. What we're gonna do, हम इस गाने को सुनेंगे. We're gonna talk about the lyrics, the composition and the whole deal, mixing, mastering, the whole thing. We're gonna talk about things that I feel like can be improved in the track, things that I liked in the track. और गाने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन रहेगा. If you guys like the track while you're listening to the track with me, link को दबाओ and let the artist know what you think about the track. Without further ado, we're going to jump straight into it. This is Big Scratch by Sectors and we are listening to Khalipan by Roohdaar. Let's get it. खालीपन भरा हुआ है सीने के इस भीतर, ना काम मत अमाल ना ही साथ देती लेकर, माँ भी दूर रहने लगी माँ को भी नहीं फिकर, और याद तेरी आती जब गमों का हो जिक्र, दोस्तों की दोस्ती भी छूटने लगी. भाई 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 प्रोफेशनल साउंड कर रहा है बिल्कुल. बस एक चीज़ है, बताता हूँ मैं आगे लास्ट में जाके. ओके, फॉर आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर्स हु आर लाइक अपकमिंग आर्टिस्ट, अपकमिंग इंजीनियर्स, प्रोड्यूसर्स, आई वुड इंसिस्ट यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बिकॉज आई जो चीज़ें मैंने ओवर टाइम सीखी है, मैं वाइल लिसनिंग टू द ट्रैक एंड आफ्टर लिसनिंग टू द ट्रैक, मैं उसके इस गाने के हेल्प से कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मैंने ओवर टाइम सीखा, विच माइट हेल्प यू इन योर जर्नी. सो स्टिक अराउंड. आ जाओ. I need to turn it up a little bit. Basically, I feel like जो मास्टर वॉल्यूम है थोड़ा ज़्यादा हो सकता था गाने का. खालीपन भरा हुआ है सीने के इस भीतर, ना काम मत अमाल ना ही साथ देती लेकर, माँ भी दूर रहने लगी माँ को भी नहीं फिकर, और याद तेरी आती जब गमों का हो जिक्र, दोस्तों की दोस्ती भी छूटने लगी, उम्मीद सबको मुझसे मेरी सबसे टूटने लगी, कोई समझ ही नहीं पा रहा या समझना चाहता नहीं, तू भी चैन देती थी अब चैन लूटने लगी, सब खो के भी मन मेरा माने ना, जरा इसलिए किसी का पहचाने ना, क्या वक्त बर्बादी सब फिजूल है, क्यों हर बार हाथ आती बस धूल है, दूर होके खुश हूँ क्या, क्या मैं दूर होके खुश हूँ क्या, मैं दूर होके खुश हूँ क्या, ना मैं दूर होके खुश ना मैं पास था, ना मैं दूर होके खुश ना मैं पास था, अंदर से दुखी एक लाश था, खुशियों का पहना एक लिबास था, टूटी जब उम्मीदें ना कोई पास था, मुझे जीने में मिलेगी बस नाकामी, तुझे सब था पता था एहसास था, मुझे जीने में मिलेगी बस नाकामी, तुझे सब था पता था एहसास था, हम खो गए गिरे हैं गमों को क्या था मैं, हम खो गए गिरे हैं गमों को क्या था मैं, हम जख्मी है जख्म किसे दिखते हैं, यहाँ रिश्ते रिश्तों से रिश्ते हैं, हवाओं पे पाँव कहाँ टिकते हैं, यहाँ जाने वाले बाजारों में बिकते हैं, तुझे कैसे लगा जाना ये मजाक होगा, कैसे सोचा नहीं ख्वाब ये खाक होगा, हम लड़ लेते कौन कौन खिलाफ होता, थोड़ा साथ देती तो ना सब खराब होता, तुझे मान लिया प्यार वो थी पहली गलती, अब तो करते हैं दुआ काश तू ना मिलती, गरगमों का पहाड़ ना गिराती तू, खुद सोच चेहरे पे कैसी हंसी खिलती, हम हालातों से लड़ते बेजाने, हम बेघर टूटा ये मकान है, मुझसे बेहतर लिखा कोई तेरे लिए ये कहना आसान है, हम हालातों से लड़ते बेजाने, हम बेघर टूटा ये मकान है, मुझसे बेहतर लिखा कोई तेरे लिए ये कहना आसान है. भाई ये एक लाइन दैट रियली स्टॉक विथ मी इज़ लाइक, जो गमों का पहाड़ है इसको कोई आकर गिरा नहीं देता. यूजुअली लोग बोलते हैं कि शायरी किसी में कहा जाता है कि जब कोई पहाड़ होता है उसको मैंने बनाया, इसका गिराओ मत, इसको बिगाड़ो मत, या कोई आके मेरा बनाया हुआ पहाड़ गिरा दिया। बट हियर ही इज़ लाइक गमों का एक पहाड़ बना हुआ है, वाई डोंट यू कम एंड जस्ट ब्रेक इट डाउन। एंड इज़ लाइक घर मेरा टूट चुका है और मैं बेघर हूँ अभी। ओए यार, नाइस वन डूड, नाइस वन, नाइस वन। एंड आई बताता हूँ लास्ट में, लेट मी टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई टुक अवे, थिंग्स दैट कैन बी, सुन के बताते रुको। ओके दैट्स इट, आगे लिरिक्स नहीं है शायद। ओके सबसे पहले आई फील लाइक जो मास्टर वॉल्यूम है, आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे सब चीज़ का वॉल्यूम मैक्स है, इसको तो मैंने ओवरड्राइव पे लगा रखा है। जो ओवरऑल मास्टर वॉल्यूम है ना इन योर मिक्स, आई थिंक ही डज द मिक्सिंग इन सेल्फ, डिस्क्रिप्शन में जितना मेरे को समझ आया। मिक्स एंड मास्टर्ड बाय असली रूम रूबी, ओके इट्स समवन एल्स। आर्ट वर्क इज ऑल्सो बाई समवन। भाई दैट सो नाइस, भाई सो नाइस, आई लाइक दैट आर्ट वर्क यार। एक कुछ तो बात है ब्रो, कुछ तो बात है। इज इट व्हाई डू आई फील लाइक देयर इज लाइक टू लेयर्स टू इट, लाइक ये एडिटेड है या फिर एक्चुअली मतलब एक लाइक देयर वाज दिस वन पेंटिंग ऑफ दिस गाय सिटिंग बाय द ओशन ऑन, एंड देन उसको ड्राई होने के बाद देयर वाज दिस अदर लेयर ऑफ लाइक, वो एकदम लाइक पेंट को थिक करके दिया गया था कि एक 3D सा इफेक्ट है। That's nice, that's nice. I like kind of thoda sa, it reminds me of the Starry Night, but it's a different vibe than that. जो मिक्स मास्टर, आई थिंक द मिक्स इज़ वेरी नाइस, ठीक है। द मिक्स इज़ वेरी, दो जो डिफरेंट तरीके से वोकल के लेयर्स हैं उनको जिस तरीके से लेयर करके यहाँ पे यूज़ किया, जिस तरीके से मिक्स करके दे हैव बिन लाइक मिक्सड टुगेदर, वो बहुत सही तरीके से जा रहा है। कुछ मेरे को कहीं पे ऑफ नहीं लगा, बस एक बीच में पार्ट आया था जहाँ पे सो इस पार्ट में थोड़ा लो एंड, जो वोकल का लो एंड है उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था। आई फील लाइक इस वाले पार्ट में इफ़ यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ लोज और ऐसे एक बूमी सा बिल्कुल एक अंडर वाटर सा साउंड तुम ला रहे हो, आई थिंक दिस कैन यूज़ अ लिटिल मोर रिवर्ब। और वो इफ़ यू आर रिमूविंग द मिड्स एंड हाइज फ्रॉम द वोकल्स, दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ गेन फ्रॉम द वोकल्स, सो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। सो इन दैट केस यू कैन यू नो बैलेंस दैट आउट, थोड़ा उसको लाउड कर सकते हो, और बिकॉज परसीव लाउडनेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है व्हेन यू आर रिमूविंग द मिड्स एंड हाइज, बिकॉज वोकल्स का प्रेजेंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। दैट इज़ वन थिंग। आई थिंक मास्टर वॉल्यूम जो है उसको यू कैन जस्ट थ्रो ऑन, मतलब आई डोंट थिंक द मिक्स दैट हैज़ बीन डन यहाँ पे, अगर मतलब मास्टर तो उतना प्लग इन चाहिए भी नहीं हुआ शायद, आई डोंट नो इफ इट इज़ मास्टर्ड और नॉट, बट अगर किया हुआ है यू कैन जस्ट थ्रो इन द लिमिटर इन, यू नो थोड़ा गेन इस पर, थोड़ा नहीं बहुत सारा गेन ऐड कर सकते हो, बिकॉज इतना सही मिक्स है ना। लाउडनेस, अभी लाउडनेस इज़ द स्टैंडर्ड यार इंडस्ट्री में, इफ द लाउडनेस इज़ नॉट देयर लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो उसको एकदम मतलब मेक श्योर इट इज़, मतलब वो -1 dB -2 dB तक एटलीस्ट रहे परसीव लाउडनेस। यू कैन फाइंड लाइक सम वेबसाइट या सम फ्री ऐप दैट कैन टेल यू कि वो -12, 14, 16 LUFs के आसपास कैसे रखना है। यू कैन जस्ट डू सम रिसर्च ऑन दैट एंड वॉल्यूम को सही, बिकॉज अगर लाउडनेस ना हो तो मतलब मिक्स थोड़ा ख़राब भी हो, लाउडनेस सही रहे तो लोग आजकल वाइब कर जाते हैं गानों पर। सो इतना बढ़िया ट्रैक है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट पीपल टू यू नो मिस आउट ऑन दैट और जस्ट स्किप ऑन द ट्रैक बिकॉज वो लाउडनेस नहीं है। आई नो इट्स काइंड ऑफ लेम बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग राइट नाउ। ये है रेपिटेशन। आई फील लाइक आई अंडरस्टैंड कि लाइक व्हेन इट्स अ ट्रैक व्हिच हैज़ लाइक पोएट्री इन इट, समटाइम्स रेपिटेशन इज, जब तुम एक लाइन को बार बार बोल रहे हो इट डज एड इम्पैक्ट, बट एट द सेम टाइम अगर तुम उस चीज़ को ओवरडू कर रहे हो ना, दैट टेक्स अवे इम्पैक्ट, ठीक है। तो समटाइम्स आई फील लाइक कुछ जगह पे यू कुड हैव एडेड फ्रेश लाइन, सम न्यू पर्सपेक्टिव, सम न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, बट मेरे को लगा हुआ एक लाइन कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा रिपीट हो रहा था। सो रेपिटेशन इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल टूल, बट मेक श्योर टू यूज़ इट लाइक वेरी स्मार्टली एंड नॉट ओवर यूज इट, समटाइम्स वी टेंड टू डू दैट। और मे बी यूर राइटिंग और मे बी यूर यूजिंग रेपिटेशन एक ऐसे नज़रिए से कि वो लाइन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीट कर रहे हो, बट पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सुन के कुछ और लग रहा है, सुन के लग रहा है कि मतलब लाइन्स और लिखने के लिए है नहीं, तो एक लाइन रिपीट हो रहा है। बट आई हर्ड द ट्रैक एंड आई ऑलरेडी नो दैट यू हैव दैट, यू नो, दैट केपेबिलिटी टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मतलब यू कैन एक्सप्रेस रियली वेल। सो वो वॉट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड वॉट यू आर ट्राइंग टू डू विद द रेपिटेशन, वो ट्रांसलेट होकर लिसनर्स के पास उस तरीके से शायद नहीं भी आ सकता। सो मेक श्योर टू यूज टूल्स लाइक मेटाफॉर्स हो गए, ये रेपिटेशन, एलिटरेशन, जो भी ये सब लिटरेचर के टूल्स हैं। इफ़ यू आर ओवर यूजिंग दैम, दैट वो मतलब इट टेक्स अवे द पावर फ्रॉम द थिंग। सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर यूजिंग द टूल्स जस्ट इनफ। बस यही एक लाउडनेस, आई जस्ट फील लाइक लाउडनेस जो था वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता था ट्रैक का, एंड मेक श्योर टू यूज़ द टूल्स वेरी नाइसली। बाकी यार, इफ दिस इज द सेकंड सिंगल, आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रैक्स ही इज गॉट आउट, चेक करते हैं। गड़बड़ी एंड जस्ट टू ट्रैक्स आउट, इट्स जस्ट ही इज जस्ट गॉट टू ट्रैक्स आउट एंड उसी में क्वालिटी इज एक्चुअली हिटिंग, क्वालिटी इज एक्चुअली। तो अभी तो बहुत गाने निकालना, बहुत आगे जाना बाकी है, बट ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी देयर भाई। आई एम प्रीटी श्योर द फर्स्ट ट्रैक गड़बड़ी करके जो ट्रैक है, दैट ऑल्सो हैज़ लाइक प्रॉपर कॉन्टेंट इन इट। सो बस मेरे थॉट्स यही है ब्रो, कीप गोइंग, कीप मेकिंग म्यूजिक, और आई रियली लाइक द कस्टम आर्ट वर्क टू हुएवर इज डूइंग दैट फॉर यू, स्टिक टू दैट। मतलब आजकल वो डिजिटल आर्ट और वो मतलब क्या बोलते हैं, डिजिटल आर्ट इज स्टिल, मतलब दैट इज़ फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद डिजिटल आर्ट। आई जस्ट फील लाइक वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, पीपल जस्ट कट पेस्ट द सेम थिंग्स एंड इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ, यू नो, कैरेक्टर फ्रॉम आर्ट वर्क्स। सो आई रियली लाइक दिस फैक्ट, मेरे को भी बहुत पसंद है, एंड आई स्टिक टू, यू नो, हैंडमेड आर्ट वर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़। सो आई लाइक दैट। मिक्स मास्टर, हुएवर इज लाइक मिक्सिंग योर ट्रैक भाई, टॉप नॉच यार। आई वुड सजेस्ट इफ इट्स पॉसिबल स्टिक टू द सेम टीम एंड कीप डूइंग यू भाई, कीप राइटिंग भाई, यू हैव गॉट दैट पेन एंड आप मतलब दिल से लिखते हो चीज़ें एंड यू नो हाउ टू एक्सप्रेस कुछ लाइन्स। यू हैव गॉट वेरी नाइस आइडिया ऑफ मेलोडीज एंड समहाउ जिस तरीके से यू डू द लेयर्स एंड द गाय हु इज हैंडलिंग योर वोकल लेयर्स, वो मतलब हैंड इन हैंड बहुत सही तरीके से जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टिक टू द सेम टीम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई जस्ट फील लाइक बाकी चीज़ें यू विल जस्ट लर्न ओवर टाइम, जैसे जैसे करते रहोगे, मैं भी सीख रहा हूँ, यू विल ऑल्सो कीप लर्निंग एज यू कीप मेकिंग म्यूजिक। बट मास्टर वॉल्यूम इंक्रीज करना है, और एल्स तुम जितना भी अच्छा गाना बना लो, जितना भी अच्छा मिक्स हो, पीपल won't be able to vibe to it. That's about it. Thank you so much for watching this video. If you like this video, if you like the song especially, गाने का लिंक नीचे description और comments में, make sure to go over there, check his music out. गड़बड़ी करके दूसरा भी track है, you can go and check that out. And I hope everybody or anybody who's watching this video got to learn something from this video, because I got to learn something. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for the love and support. If you like the video, leave a like. Make sure to subscribe to the channel. Almost 100k होने वाले हैं हमारे. Thanks a lot for the love, this fresh time. It's your boy Big Scratch and I'm out. जो दरारे हम में बने, वो आंसुओं से हमने सहा